हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा है और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के थ्रू सभी अपने व्यूअर्स को और आप सभी लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज मैं आपको इसी फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये फेस्टिवल पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सभी जगह मनाया जाता है। इसे हिंदू कम्युनिटीज बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से मनाती है। इस दिन माँ सरस्वती की धूमधाम से पूजा की जाती है, विधि विधान के साथ उन्हें भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद और भोग का वितरण सभी लोगों में किया जाता है। सो, मैं आज आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि बंगाली कम्युनिटी इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं। सो आइए, चलिए मेरे साथ आज सरस्वती पूजा मनाने के लिए और देखने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ज्ञान बुद्धि स्वर संगीत की देवी को मेरा नमन। मैं ऋतु चैटर्जी आप सबका अपने पूजा पंडाल सरस्वती पूजा में स्वागत करती हूँ। मैं ये आज आपको बताना चाहूँगी इस पूजा के लिए कि सरस्वती पूजा क्यों और कैसे मनाई जाती है। तो जैसा कि ग्रंथों में उल्लेखनीय है, आज के दिन वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती धरती पर आई थी, उनका जन्म हुआ था। तब से इसी दिन माँ सरस्वती के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ये पूजा बंगाली कम्युनिटी के लिए विशेष है। यह हमारी परम पूजाओं में से एक है। यहाँ पर हम आज के दिन एक सामूहिक पूजा करते हैं जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर माँ को अंजलि अर्पण करते हैं, प्रसाद खाते हैं और भोग लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी सब लोग माँ को आकर नमस्कार कर रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट राउंड अंजलि हो चुकी है और बाकी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे अंजलि पूजा चढ़ाते जाएंगे। अभी पंडित जी आए हुए लोगों का प्रसाद माँ को भोग लगाते हुए और पूजा करवाते हुए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि माँ को फल मिठाई चढ़ाया गया है, साथ ही माँ को इसमें श्रृंगार का सामान भी अर्पण किया गया है। फल फूल धूप दीप के साथ माँ की पूजा की गई है। यहाँ पर माँ को अंजलि पुष्पांजलि अर्पण की जा रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ के लिए मंत्रोच्चारण करता हुआ। पूजा के लिए दोनों हाथों में फूल लेकर बिलपत्र के साथ माँ के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं और ये फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं। इसी को हम लोग अंजलि या पुष्पांजलि कहते हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। पूजा के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए, प्रसाद में माँ सरस्वती को चढ़ाए हुए फल मिठाई सभी लोगों को दिया जाता है। इन बिटवीन मैं आ चुकी हूँ अपनी बारबारी के मोस्ट सीनियर पर्सन के घर,
सरस्वती पूजा देखने के लिए, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ सरस्वती पूजा घर पर मना रहे हैं। ये हैं बड़े मामा जी, और ये पूजा मामा जी, उनकी फैमिली और उनके स्टूडेंट्स ने घर पर ऑर्गेनाइज की है, और ये सारी डेकोरेशन उनके स्टूडेंट्स ने की है, और वो अभी वेट कर रहे हैं पंडित जी का, ताकि पंडित जी आए और सब लोग पंडित जी के थ्रू पूजा करें। अब चलते हैं मामा जी के पास, वो हमें बताएंगे आज की पूजा के बारे में, जानते हैं उनसे। सो आप हमें बताइए, आज के दिन पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और क्या होता है? आज के दिन सरस्वती पूजा माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए, बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख लें। सारे साल में एक बार अगर माता सरस्वती को याद कर लिया जाए तो कोई बुरा नहीं है। अपनी श्रद्धा के आधार पर जितना हो सकता है हम उसमें देवी को चढ़ावा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे विद्या की शक्ति मांगते हैं, ताकि हम अपने जीवन में जीवन पर अग्रसर होते रहें, हर परीक्षा में हम अच्छी तरह सफल हो सकें, यही वरदान हम माता से मांगते हैं। बस और क्या, विद्यार्थियों के प्रति सरस्वती माता का एक आशीर्वाद और वरदान हमेशा प्राप्त रहता है, इसीलिए विद्यार्थी आज के दिन पुस्तक को पूजा करते हैं, कलम की पूजा करते हैं, ताकि उन्हीं की शक्ति से वो आगे अपने जीवन में अग्रसर हो सके। थैंक यू सो मच मामा जी, हमें इस पूजा के बारे में इतना सब कुछ बताते हुए। सो आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन सब लोग कितने एक्साइटेड हैं इस पूजा के लिए, और कितना ईगरली वेट कर रहे हैं। सो फाइनली पंडित जी आ चुके हैं, हम सब का इंतजार खत्म हो चुका है, और अब पंडित जी पूजा स्टार्ट करेंगे और हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर पायल बॉडी पूजा की अरेंजमेंट्स कर रही हैं, हमें बताएंगी कि वो कैसे क्या करने जा रही हैं। पूजा की तैयारी जोरों शोरों पर। आज के दिन सरस्वती पूजा में सब लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, और काफी जगह आज के दिन पतंग भी उड़ाई जाती हैं। ये डेकोरेशन सब बच्चों ने किया है? चलिए चलते हैं पायल बॉडी के पास और जानते हैं उनसे इस वक्त पूजा के बारे में, और वो क्या कैसे कर रहे हैं समझते हैं उनसे। आइए, आप ये क्या कर रहे हैं? पानी दे। हाँ? क्या कर रहे हैं प्लीज ब्रीफ कर देंगे? ये हिंदी माँ सरस्वती जी का श्रृंगार का सारा सामान है, सिंदूर आलता, उनका कड़ा, कुमकुम, उन कंघी, मेहंदी, इनका तेल, नेल पेंट, बिंदी, ये कड़ा, ये सब माँ सरस्वती जी का श्रृंगार का सामान है। ये सिंदूर है, नीचे दादी के पास जाओ, वो कुंड ले हवन वाला सिंदूर। ये काजल है, इसका सफाई कर लो थोड़ा करके, अरे तुलसी के पेड़ के पास आईना है, ये उनका सारा श्रृंगार का सामान है सरस्वती जी का। सो यहाँ पर हमने देखा कि माँ सरस्वती को श्रृंगार में सभी कुछ आज के दिन चढ़ाया जाता है। मामा जी के सारे स्टूडेंट्स पूजा में हाथ बटाते हुए घर को सजाते हुए, ताकि वो आज सब माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर पाएं, उनका आशीर्वाद ले पाएं। आप देख पा रहे हैं अभी सरस्वती माँ की मूर्ति पर कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि पूजा अभी शुरू नहीं हुई है, पूजा के टाइम पर हम मूर्ति देख पाएंगे। आज के दिन माँ को फल, मिठाई और खाने का भोग लगाया जाता है, वही सब रखते हुए तैयारी करते हुए, और पूजा के बाद
हवन भी किया जाता है, जैसे कि हम हवन की तैयारी इस पूजा में देख पा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति और डेकोरेशन है, वाओ। यहाँ पर हम सब माँ सरस्वती के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद व स्नेह हम पर ऐसे ही बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अब अगेन हम लोग आ गए हैं अपने सरस्वती पूजा पंडाल में, जहाँ पर सब लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पूजा हो चुकी है। पूजा के बाद प्रसाद हम ग्रहण कर चुके हैं और अब एवरीवन इज वेटिंग फॉर भोग। आज के दिन जी हाँ, माँ को खाने का भोग लगाया जाता है और वो जो भोग होता है वही हम सब खाते हैं। और वैसे एक बात बताऊँ, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा का भोग हो, गुरुद्वारे का लंगर हो या मंदिर का भंडारा, उसके टेस्ट का कंपैरिजन कोई भी बाहर का नहीं सकता, नहीं कर सकता। चलिए पता भैया भोग में क्या क्या बना है, भोग में क्या क्या बना है, क्या क्या बना है? अच्छा, पायस, खीर, अच्छा, ओके, थैंक यू। यहाँ पर हलवाई जी हमें बता रहे हैं खाने में ऑलमोस्ट सारे आइटम बन चुके हैं, यू आर लेफ्ट। देखिए खीर बनकर तैयार है, आलू गोभी की सब्जी, दिस इज चौचड़ी, बंगाली मिक्स सब्जी, खिचड़ी, भाजा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चटनी है, ये सभी माँ को भोग लगेगा और उसके बाद सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सब लोग भोग के लिए बैठ चुके हैं, किड्स आर टू एक्साइटेड इन दिस पूजा। एक्चुअली आज के दिन बहुत लोग होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, बट जस्ट ड्यू टू वर्किंग डे काफ़ी कम लोग आ पाए हैं। कुछ लोग हाफ डे के बाद आएंगे या इवनिंग में भगवान के दर्शन करके जाएंगे, जस्ट आप समझ ही सकते हैं कि वर्किंग डे पर पूजा का होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पूजा में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, कोई भी ज़्यादा सर्वेंट या वेटर नहीं लिए जाते हैं, सारे बारबारी के लोग फैमिली मेंबर मिलकर मैक्सिमम सारे काम करते हैं। और यहाँ पर खाना यही हमारे फैमिली मेंबर, हमारे बारबारी मेंबर हमें बैठकर खिलाते हैं। ये जो पानी पिला रहे हैं हमारी बारबारी के सेक्रेटरी हैं। तपन भोग लगाते हुए, पार्टी में लेते हुए, भोग लग चुका है, सो यम्मी। यहाँ सब लोग कुछ खाना खा चुके हैं, कुछ खाना खाने जा रहे हैं, मिलना मिलाना बातें गेट टुगेदर चल रहा है, बिकॉज़ डेली रूटीन में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। सो
पूजा को अच्छे से सब लोग एंजॉय करते हुए मिलते मिलाते हुए। यहाँ पर हमारे बार बारी मेंबर्स मेनुपीशी सबको प्यार स्नेह के साथ खाना सर्व करती हुई, काकू प्यार से सबको सर्व कर रहे हैं। बताया था ना आपको कि हमारी बारवारी में फैमिली मेंबर बारवारी मेंबर ही मिलके ये खाने का या रेस्ट ऑफ द सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। अब चलते हैं मासी माँ के पास। माँ आप हमें सरस्वती पूजा के बारे में कुछ बताइए। देवी दुर्गा का ही एक रूप है सरस्वती, जैसे लक्ष्मी हैं, जैसे गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वैसे सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी है जो बसंत पंचमी के लिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बोलिए बंगाली पूजा कैसे होती है, उसमें क्या स्पेशल होता है? स्पेशल ये है कि ये नवरात्रि में दुर्गा देवी की पूजा 9 दिन करते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। सरस्वती पूजा सिर्फ एक ही दिन करते हैं, पंचमी के दिन ही करते हैं छोटे रूप में, लेकिन बड़े आनंद के साथ बच्चों को साथ लेके, क्योंकि विद्या देवी हैं, बच्चे सब अपनी अपनी किताब लेके वहाँ रखते हैं, बड़े भक्तिभाव से पूजा करते हैं। विद्या देवी हमें विद्या दो, जो गाने बजाने के शौकीन हैं वो गाना बजाने के लिए वहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं ताकि उनको उसकी विद्या प्राप्ति हो और अपना नाम कमाएं, यश करें, और यही है और क्या। और बड़े आनंद के साथ भोजन किया जाता है, सामूहिक भोजन जिसको कहते हैं, सब लोग मिलते, कोई जात पात की भेदभाव नहीं, छोटे बड़े सब मिलते वहाँ अपना भोजन करते हैं। गांच गाना होता है शाम के टाइम, सामूहिक में सब सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, बस यही सरस्वती पूजा है। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। थैंक यू। सो बस अब यहाँ दर्शन करके प्रसाद लेके हम अपने घर जा रहे हैं। सरस्वती माँ हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आज का पूजा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं माँ को नमस्कार करके। जय माँ सरस्वती। फ्रेंड्स हम वापस आ चुके हैं। सो जैसा कि आपने देखा आज के दिन पूजा कैसे की जाती है, क्या होता है, कैसे हमने एंजॉय किया, सब लोग आपस में मिले। सो आई बिलीव आज का वीडियो और ये सारा पूजा आज का फेस्टिवल आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। और उम्मीद करती हूँ ऐसी और वीडियो और फेस्टिवल की स्टोरीज पूरा प्रोसेस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी, और भी टॉपिक इस वीडियो में आप लोगों के लिए आते रहेंगे। सो देखते रहिए ऋतुस मंत्रा। एंड अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे चैनल की कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ओके बाय बाय, नमस्कार, हैप्पी सरस्वती पूजा वंस अगेन।